गांव का छोरा जीतकर थाईलैंड से आया चैंपियनशिप। पिता चलाते ऑटो, बेटा बना विनर। हिम्मत और हौसला हो तो गांव, शहर क्या, विदेशों में भी झंडा फहराया जा सकता है और देश का भी नाम रोशन किया जा सकता है। ऐसे ही एक बेहतरीन कामयाबी दिल्ली देहात के नजफगढ़ के रहने वाले एक छोरे ने पाई है। राजेश ने थाईलैंड में हुए चैंपियनशिप में मेडल जीतकर गांव का तो नाम रोशन किया ही, साथ में देश का मान भी विदेशी सरजमी पर फहराया है। नजफगढ़ की अग्रवाल कॉलोनी में रहने वाले राजेश ने बताया कि उसका थाईलैंड में आयोजित मिस एंड मिस्टर यूनिवर्स चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन हुआ। मार्च 2023 में आयोजित ट्रायल के आधार पर राजेश को UWSFF के माध्यम से देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको चुना गया था, जिसमें वो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। राजेश के पिता ऑटो ड्राइवर हैं और उसी से घर बार चला रहे हैं। उसी कमाई से बेटे राजेश को आगे बढ़ाया है, लेकिन आज घर वालों के साथ साथ इलाके के लोगों को भी बेहद खुशी है। राजेश जब गोल्ड मेडल जीत कर गाँव पहुंचा तो उसका माला पहनाकर सभी ने स्वागत किया। परिवार के साथ साथ इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है, सभी लोगों ने उनको बधाई दी है। इसमें ये था हमारा थाईलैंड बैंकॉक में, और इसमें कम से कम पाँच से छः कंट्री के लोग आए हुए थे, थाईलैंड, इटली और दुबई, पाकिस्तान और USA से आए हुए थे, काफ़ी लोग आए हुए थे, और उनको बीट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन ऊपर वाले की मदद से। किस तरह जाता है इसको पूरी मेहनत को? ये तो सर ये जाता है, सब आप लोगों का प्यार है, जो मेरा अंदर से मन हुआ कि मैं कुछ करूं, और जैसे विशाल भाई हैं, जैसे सपोर्ट खड़ी है हमारे लिए पीछे, तो मन करता कि कुछ आगे कर सकें। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि इन गलत आदतों से हट के अपना इसमें थोड़ा सा मेहनत करें तो कुछ नाम उठा पाएं अपना और अपने समाज का। उसे ऑटो चलाता था, ऑटो चला के मैंने मेहनत करके अपने बच्चों को इस कामयाबी पे आज तक पहुंचाया, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे इस कामयाबी पहुंचे और आगे भी पहुंचना चाहिए बच्चे। और बच्चों के लिए क्या कहेंगे? और बच्चों के लिए मैं कहूँ, बच्चे इसी काम पर अपना आगे तक मेहनत करें और उम्मीद रखें कि हम आगे भी पहुँचना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई कम से कम अग्रवाल कॉलोनी का नाम कर रहे हैं, हमारे समाज का नाम कर रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ भाई इसी तरह जो युवा शक्ति है और भी इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें और इसी तरह जो है ना नाम कमाए, कम से कम समाज का कहीं ना कहीं तो परचम फैलाए। इस भाई के ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये इतिहास बनाया हमारे भाई ने, और ये हमारे आइकॉन है, हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और समाज का भी नाम रोशन किया है। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे भाइयों को देख के सीखना चाहिए, क्योंकि जो समाज का नाम रोशन किया है, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, और मैं हिंदुस्तान की सरकार से भी बोलना चाहता हूँ और जितने भी नेता है उनसे बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे भाइयों की सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारा राजेश जो है इसने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है, और हमारी अग्रवाल कॉलोनी का नाम रोशन किया है, और वाल्मीकि समाज का नाम रोशन किया है। मैं अपने राजेश के लिए दुआ करता हूं कि ये आगे और बढ़े, और अपने समाज के सभी बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूं कि वे राजेश से प्रेरणा लें। मैं राजेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज इन्होंने भारत का नाम, भारत में ही नहीं बल्कि और देशों में जाकर भी अपने भारत का परचम लहराया, और जिस शान से ये तिरंगे को लपेट के चल रहे हैं, इस तिरंगे की शान को इन्होंने दूसरे देशों में भी जाके फहराया है।